Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, students. This lesson is for class six subject English. Students, in this lesson, our topic is in Ikra Applied Grammar Book One Lesson Four: Use of Has and Have. And as we know, students, that this lesson is only for the students of only Worsak branch students, while other branches will watch their videos of Ikra English Grammar Book Four for to learn their grammar so as we know that this lesson is for the students of first branch the students let's start our topic use of has and have so students first we will read the poem so sing aloud with me sing aloud with me rain has drops sun has shine

स्टूडेंट्स इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट हैज एंड सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट हैज़ एंड हैव क्या है ये ठीक है स्टूडेंट्स हैज़ एंड हैव के प्राइमरी मीनिंग हमारे पास हैं कि ये बताता है बिलोंगिंग्स के बारे में ठीक है टेल अबाउट द बिलोंगिंग्स स्टूडेंट्स सेंटेंस में किसी भी चीज़ का किसी सब्जेक्ट के साथ बिलोंगिंग शो करने के लिए हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ठीक है हैज़ एंड हैव के स्टूडेंट्स कई यूजेस हैं बट इस लेसन में हम इसका ये यूज पढ़ेंगे कि हैज़ या हैव जो है वो पोजेसन शो करते हैं प्रेजेंट टेंस में ठीक है इनका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है ठीक है और ये पोजेसन शो करते हैं वट इज़ पोजेशन स्टूडेंट्स पोजेशन मीन मलकियत डेली स्पीकिंग में हम यूजली कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके थ्रू पोजेसन शो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव पेन मेरे पास पेन है ठीक है सना हैज़ बैग सना के पास बैग है ठीक है अब यहाँ पे मलकियत शो हो रही है मेरे पास पेन है ठीक है या सना के पास बैग है ठीक है तो प्रेजेंट टेंस में पोजीशन शो करने के लिए हम हैज़ या हैव का अकॉर्डिंग टू तो द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ठीक है थीके? बुक की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर स्टूडेंट्स ही शी इट और सिंगुलर नाउन एग्री विद हैज़ ठीक है यहाँ पर मैंशन नहीं है बट एज वी नो कि ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हमें हैज़ के यूज़ करना पड़ेगा वाई आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज़ करेंगे सेंटेंस में ठीक है ही शीट एग्री विद हैज़ एंड यू वी दे आई एग्री विद हैव स्टूडेंट्स इसके साथ इसके अलावा प्लूरल नाउन के साथ भी हैव यूज़ होता है ही शी इट And singular noun agree with has, while I, you, we, they, and plural noun agree with have. Okay? As you can see in the picture, I have five pencils, you have many toys, we have three books, they have woolen gloves. Okay? For example, he has new gadgets. शी हैज़ ब्यूटिफुल पेंटिंग्स स्टूडेंट्स ये तो माई पॉजिटिव सेंटेंसेज हुए ठीक है पॉजिटिव सेंटेंसेज मीन डेक्लटिव सेंटेंसेज सादा जो जुमले होते हैं ठीक है, है? जिसमें हम जो है वो एक स्टेटमेंट uh, शो करते हैं ठीक है अगर स्टूडेंट्स इन पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम ऑगजिलरी डू नाट हैव का यूज़ करेंगे ठीक है नेगेटिव स्टेटमेंट में हम इन सब्जेक्ट के साथ जो है वो डू नाट हैव का यूज़ करेंगे पॉजिटिव में स्टूडेंट्स हैव को यूज़ करेंगे जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट में डू नाट हैव का यूज़ करेंगे वाइल ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ अगर पॉजिटिव में हैज हैज़ यूज होता है स्टूडेंट्स तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट हैव यूज होगा ठीक है ऑक्सिलरी डज नॉट हैव यूज होगा आई हैव फाइव पेंसिल्स मेरे पास पांच पेंसिल्स है अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलती हूँ कि मेरे पास पांच पेंसिल्स नहीं है देन आई से आई डू नॉट हैव फाइव पेंसिल्स क्लियर ही हैज़ न्यू गैजेट्स इन नेगेटिव स्टेटमेंट इट विल बी ही डज नॉट हैव न्यू गैजेट्स ठीक हैज़ जो है वो ऑगजिलरी में चेंज हो जाएगा निगेटिव स्टेटमेंट में डज नॉट हैव ठीक है ऑगजिलरी डज यूज होगी यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट में ठीक है स्टूडेंट्स हैज सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा है कि विद विथ सब्जेक्ट वी विल यूज हैज एंड विद विथ सब्जेक्ट वी विल यूज हैव ठीक है In negative statement, we will use does not have. And in case of have, in negative statement, we will use do not have. Clear? This is the practice portion. Turn a page, look at the pictures, and circle the correct option. Students, by the help of this picture, you will be able to solve your exercise. Students,

तुम्हारे पास ब्राउन शूज़ हैं ही डज नॉट हैव अट ही हैज़ अ कोट स्टूडेंट यहाँ पे हम हैज़ इसलिए लगाएंगे ठीक है दैट वी कैन सी कॉर्ड इन द पिक ठीक है ही हैज़ अ कोट ही हैज़ अ कोट शी डज नॉट हैव अ प्रिटी डॉल आपको कई डॉल नजर आ रही है बच्चे स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कोई डॉल नहीं नज़र आ रही है ठीक है वी कॉन्ट सी प्रिटी डॉल दैट्स वाई आवर आंसर विल बी शी डज नॉट हैव अ प्रिटी डॉल

आई हैव सेलेक्टेड देंटेंसेज आई हैव सेलेक्टेड हैज हैव आ डू नाट हैव ठी है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ठीक है मैंने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में हैवर डो नाट हैव का यूज़ किया है आई हैव ब्लू जॉगर्स आई हैव अ पिंक बैग आई डो नॉट हैव अ वाइट शर्ट ठीक है अपने अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है एज आई डो नॉट हैव अ वाइट शर्ट वाइट टी शर्ट आई डू नॉट हैव अ वाइट टी शर्ट आई डो नॉट हैव अ बाईसाइकल i have two brothers i have lots of cousins this is extended practice my favorite students this is my favorite uh, portion look at complete the sentences with words below सबसे सब पहले तो आपने पिक्स को देखना है ठीक है और फिर उन्हीं की मदद से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है क्योंकि आपके पास वर्ड्स भी गिवन है ठीक है आपने इन वर्ड्स को ले कर अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बाय वॉचिंग पिक ठीक है बाय लुकिंग द पिक सो लुक एट द पिक्चर्स दे हैव टू कैप्स एज यू कैन सी दे डू नॉट हैव बाई दे हैव टू कैप्स बट दे डू नॉट हैव बाई अब फर्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है जबकि सेकेंड वन में हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है ठीक है और थर्ड वन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स इकट्ठा किया गया है बाय द यूज़ ऑफ बट व्हाट इज़ बट स्टूडेंट्स बट इज़ कंजंक्शन जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है ठीक है फर्स्ट वन सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड वन इज़ टू स्टेटमेंट टू सेंटेंसेज आर जॉइंट बाई कंजंक्शन बट ठीक है सो द फर्स्ट वन हैव बीन डन फॉर यू द नेक्स्ट सेंटेंसेज विल भी डन बाई यू सो लुक एट द पिक ही हैज एन ऑक्स हमने वर्ड लिया यहाँ से ठीक है ही डज नॉट हैव अट्रैक्टर ही हैज एन ऑक्स बट ही डज नॉट हैव अट्रैक्टर She has a purse, as we can see. She does not have a school bag. She has a purse, but she does not have a school bag. You have a bicycle, you do not have a bike. You have a bicycle, but you do not have a bike. I have a football, I do not have a bat. I have a football, but I do not have a bat. कम टू पेज ट्वेंटी वन वर्ल्ड बैंक स्टूडेंट्स थ्रू वर्ड बैंक यू विल लर्न समिफरेंट न्यू वर्ड्स ठीक है बाई दीज वर्ड्स यू विल इन्हेंस यूर वोकेबलरी एंड स्पीकिंग पावर ठीक है डेली स्पीकिंग में आम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स रीड इट बैट वीडियो गेम्स बैग जोमेट्री बॉक्स हैट बाइक बाईसाइकिल कंप्यूटर कोट लैपटॉप मोबाइल फुटबॉल स्पोर्ट्स किट डॉल टॉयज, कलर बुक बॉटल ग्लव्स स्वेटर वॉच रिंग बैंगल्स जैकेट स्टोरी बुक्स ग्लासेस लॉन्ग स्काफ शॉर्ट स्काफ ठीक है लर्न टू स्पीक टेल योर पार्टनर अबाउट टू थिंग्स अपने पार्टनर को आपने अपनी दो चीज़ों के बता बारे में बताना है यू हैव एंड टू थिंग्स यू डू नॉट हैव उन दो चीज़ों के बारे में अपने क्लासमेट को बताएँ ठीक है अपने फ्रेंड को बताएँ कि जो आपके पास हैं और दो उन चीज़ों के बारे में बताएँ जो आपके पास नहीं है फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गॉड बट आई डू नॉट हैव अ जैकेट नाउ टेल यूअर क्लास अबाउट द थिंग्स यूर पार्टनर हैज एंड डज नॉट हैव ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टेल डू द क्लास अबाउट योर क्लास मेट और फ्रेंड ठीक है उनको जो है अपनी क्लास को आपने बताना है अपने पार्टनर के बारे में कि उनके उसके पास दो कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी दो चीज़ें नहीं हैं फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ कोट बट ही डज नॉट हैव अ जैकेट कम टू आस्क एंड रिप्लाई पोर्शन स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो शॉर्ट वे में भी दे सकते हैं बजाय इसके कि आप पूरा सेंटेंस जो है वो बताएँ ठीक है

आपने अपने आंसर में इन वर्ड्स को यूज करना है ठीक है और अपना आंसर जो है वो शॉर्ट वे में देना है लर्न टू राइट दिस इज योर एक्टिविटी स्टूडेंट्स लेट्स कंपेयर राइट फाइव सेंटेंसेज ऑन द थिंग्स दैट यू हैव बट योर फ्रेंड डज नॉट हैव एंड फाइव सेंटेंसेज ऑन द थिंग्स दैट योर फ्रेंड हैज़ बट यू डू नॉट हैव ठीक डो दिस वर्क इन योर ग्रामर बुक एंड लर्न इट थैंक यू